नौगांव में आज नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने सामूहिक तौर पर नगर पालिका सीएमओ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए नौगांव थाने का घेराव किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में सफाई मजदूर थाने पहुंच गए। अखिल भारतीय सफाई मजदूर ट्रेड यूनियन के बैनर तले नौगांव थाना प्रभारी के खनेजा और तहसीलदार बीपी सिंह को ज्ञापन दिया और सीएमओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। ऐसा तो कोई वो नहीं है। अभी पूर्व में कर्मचारियों को, चूँकि कोरोना काल चल रहा है, सफाई की चूँकि दबाव ज़्यादा पड़ रहा है उनके ऊपर भी, अपन भी समझ रहे हैं कुछ समस्याएं हैं। लेकिन जो आपने बोला कि अवैध टिप्पणी का, तो ये कर्मचारी हमारी कर्मचारी हैं, उनसे अवैध टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं। हाँ, जो काम जब नहीं करेंगे तो बोलना पड़ता है काम के लिए कि काम करना पड़ेगा, काम तो ज़रूरी है। चूँकि समय ऐसा है कि पूरा देश अपना महामारी से जूझ रहा है, तो इनमें काम तो कराने के लिए थोड़ा सा अपन बोलना पड़ता है, लेकिन ऐसी अभद्र टिप्पणी कोई भी नहीं थी। आगे नीचे करो भाई, थोड़ी थोड़ी। अरे एक मिनट, आपके साथ कब कैसी बातचीत हुई और क्या कहा गया सीएमओ के द्वारा? मुझे 5:30 बजे सीएमओ के घर केबिन में बुलाया गया, और जैसे ही मैं गया मैं सीधा खड़ा हो गया, मेरी थोड़ी जांघों में दिक्कत है, खड़ा हो गया। जैसे खड़े होने पर सीधे बोले वो, अब यहाँ से माधरचोद मैं दरगही का। किस बात को लेकर ये बातचीत हुई, किस बात को लेकर? जो मेरी शिकायत की गई थी कुछ काम की वजह से, काम करते हैं, कोई गाली गलौज नहीं सुनते, आप बताते डांट देते, 2-3 दिन के लिए बिठा देते, गाली थोड़ा ना बकना था। अब क्या चाहते हैं आप? सीएमओ को साहब को साहब यहाँ से बदली करवाना चाहते हैं। सर, ज्ञापन दिया गया है सफाई कर्मियों के द्वारा, क्या कुछ पूरा मामला, क्या वजह सामने आ रही है? ये कल शाम 22 तारीख के शाम के 5 बजे की बात है कि उन्होंने जो अपने सीएमओ साहब हैं, उन्होंने कर्मचारी आदित्य बाल्मी की जो वहाँ पे एक सेवा कार्यरत है, उससे कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया कि काम ढंग से नहीं करता तू, ऐसा है तू, जाति सूचक शब्दों का भी बोला गया। उन्होंने अभी अपने जिलाध्यक्ष और पार्षद के नेतृत्व में यहाँ के ज्ञापन दिया है, उसमें SDOP साहब भी आया, तहसीलदार साहब भी हैं हमारे साथ में, उन्होंने आवेदन दिया, उसकी हम जांच करके जैसे होगी उचित वैधानिक कार्रवाई करूंगा। तेरी दादागारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कर्मचारियों पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कर्मचारियों पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सीमा तेरी दादागिरी।